27 नवंबर को एक आदमी इसी गेट से आया मेरे पास। उसके कपड़ों पे खून लग गया था, हाथ में चाकू ले रहा था। राते बोला कि मैंने अपनी घरवाली का कत्ल कर दिया है। तो उसको वहीं पर हमने यहीं काबू करके उसका पूरा नाम पता पूछा, तो उसने नाम अपना रमेश बतलाया। तो बताया कि मैंने अपनी घरवाली नीतू को अभी गर्दन पे वार करके और यहाँ आया हूँ, आपके पास ही था, यहाँ थाने में आया हूँ। मौके पर जाके देखा तो उसका वही था, वो कत्ल कर रखा था। फिर आज कल उसको कोर्ट में पेश करके उसका एक दिन का रिमांड लिया है और आज उसको पेश करेंगे। कारण तो इसके भाई ने आत्महत्या करी थी मई महीने में, उसमें इसकी वाइफ और इसकी भाभी दोनों एक्यूज थी। वो बेल पे आई थी करीब 1.5 महीना पहले, फिर इनके आपस में तू 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 मैं हो गई। बोले इसकी घरवाली ने, इसके कहने के मुताबिक उसने बोला है इसको कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसाऊंगी या उठवा दूंगी किसी को, तो इसी वजह से इसने फिर ये कदम उठा दिया।